नमस्कार, ऐसे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं देश की बहुत महान हस्ती जो समाज सेवा के अंदर नित पर आगे रहते हैं, देशराज जी। डॉक्टर देशराज जी, आपका ऐसे में स्वागत है। सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपका ऐसे न्यूज़ का आभार व्यक्त करते हुए आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जी। और आपने मुझे इसके लिए यहाँ ला के मौका दिया, उसके लिए आपका जी। ऋषा जी, एक बात बताइए, आप जगह जगह गरीब ज़रूरतमंद लोगों के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, संविधान का पाठ पढ़ाते हैं, तो क्या है इसका वो थोड़ा जो LDF करके आप जो ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं उसके बारे में ब्रीफिंग करें, और जो संविधान को जगह जगह जाके बताते हैं तो उसके बारे में क्या है, मतलब ऐसा क्यों करते हैं आप? देखिए, आज इस देश में एक बहुत बड़ा हमारे सामने बहुत बड़ा संकट कह सकते हो, चुनौती कह सकते हो, हमारे सामने एक बहुत बड़ा जाल खड़ा हो गया है। आज जिस तरीके से देश के अंदर व्यवस्था को बदलने के लिए जो हमारे महापुरुषों की, हमारे संविधान की या हमारी लड़ाई क्रांति का जो एक बहुत बड़ा हम लोगों ने आंदोलन करके हजारों साल से, और ख़ासकर पिछले 50 साल से बहुजन समाज के सभी क्रांतिकारी दलों ने, सभी सामाजिक संगठनों ने, सभी नेताओं ने, हम किसी एक का नाम नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ पे कोई महान नहीं है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा, और माननीय कांशीराम हैं लेकिन वो पॉलिटिकल रहे हैं इसलिए हम उनको ज़्यादा यहाँ नहीं कह सकते जी। इसलिए आज जो हम इस देश का आंदोलन, हमारा समाज का एक बहुत बड़ा दल बल जो खड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बुद्धिजीवी होने के नाते, एक्टिविस्ट होने के नाते, कि वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक उसके सामने चैलेंज खड़ा हो गया है जी। अगर आज समय रहते इस देश के अंदर हमने अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए और अपनी देश के अंदर व्यवस्था को स्थापित करने के लिए और भारतीय संविधान को लागू करवाने के लिए जी, जिसके उद्देश्य से ही हमारा समाज, हमारे बहुजन समाज के हर व्यक्ति या हमारे संगठन या हमारे व्यक्ति विशेष के हित सुरक्षित रह सकते हैं, अगर उसके लिए हमने आज काम नहीं किया एक्चुअल में, तो समझ लीजिए इस देश के अंदर बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। और उसके बाद फिर हम शायद ये कहने के लिए भी नहीं बचेंगे जो आज हम कह रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो है लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रंट के माध्यम से इस देश के अंदर गली गली में जनमानस तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि आर पार का आपको संघर्ष करने का समय आ गया है। हम लड़ाई का मतलब ये नहीं कि हमने कोई वायलेंस करना है या हमने किसी का यहाँ पे किसी को साथ में चीट करके उसको जो ना कहीं उसका व्यक्ति विशेष का हमने अधिकारों को हमने हनन करना नहीं। लड़ाई का मतलब ये कि जो हमारे लोगों के लिए जो अधिकार बाबा साहब ने दिए थे, जो हमें कुछ न कुछ ऐसे आगे बढ़ने का मौका और अवसर प्रदान किए थे, जो भारतीय संविधान के माध्यम से संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से जो हमारे पास अधिकार होने के बावजूद जो आगे रास्ते खोले थे, आज वो रास्ते कहीं ना कहीं या तो बंद हो गए हैं या बंद होने के पूरे कगार पर हम लोग पहुँच गए हैं। अब उस समय पर हम लोग राजनीति करें वो एक अलग बात है, राजनीति करने के लिए राजनीतिक लोग हैं हमारे पास, हम उसमें नहीं जाना चाहते और राजनीति कैसे होगी हम ये भी नहीं कहना चाहते, लेकिन हम एक समाज के बुद्धिस्ट और एक्टिविस्ट और एक समाज के एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते, चीज़ों का ज्ञान होने के नाते इतना जरूर समझ रहे हैं कि जिस तरीके से आज देश के अंदर जो विचारधारा और जो सिस्टम फैल रहा है उसके लिए हमें बहुत जोर दिन रात काम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करके समाज को रोड पे लाना पड़ेगा, आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे सामने इतना बड़ा संकट जो आएगा उसका फिर हमारे सामने ना विकल्प होगा ना कोई समाधान होगा। इसलिए जो है लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है भारतीय संविधान सम्मान दिवस के माध्यम से 25 नवम्बर 2018 को गढ़वाल भवन पंचकुला रोड दिल्ली में एक भारतीय संविधान सम्मान दिवस का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से बुद्धिजीवी एक्टिविस्ट लोग आ रहे हैं, समाज के बड़े बड़े संगठनों के पदाधिकारी उनके प्रमुख आ रहे हैं, पूरे दिल्ली से इन्हीं 10-15 प्रांत से हमारे लोग यहाँ पे काम करके संगठन में आने की भागीदारी हिस्सेदारी उनकी कायम सुनिश्चित हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि उस संविधान माध्यम के संदेश के माध्यम से हमें देश के अंदर कितना बड़ा हम यहाँ पे अपने लोगों को जागरूक करने का एक जो है ना मुहिम या आंदोलन चला सकते हैं या खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए हमारा एक प्रयास है। और हमारे इस प्रयास में आपने भी हमारे को जो इतना समय दिया या समय सम्मान दे रहे हो या हमारे को आप जो प्रचार के लिए लोगों तक बात फैलाने के लिए आगे बढ़ा रहे हो, उसके लिए हम आपका मीडिया का, क्योंकि देखिए जब तक मीडिया या समाज के लोग हमें दूसरे के बारे में अच्छी सोच, अच्छी बात, पॉजिटिविटी और एक दूसरे के साथ कंक्रेंस, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड, यानी कि साथ वैचारिक और सामाजिक और क्रांति और काम सब चीज़ें साथ मिलकर नहीं होंगी, जैसे अंदर प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ 500 सैकड़ों संगठन के लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वो संगठनों के लोग जब तक जुड़ के एक होकर अगर काम नहीं करेंगे तो ये सिर्फ एक मीटिंग रह जाएगी, है ना। इसलिए
इसलिए हम भी यहाँ पर आए हैं ये सोचकर, एक उम्मीद लेकर कि भैया अब इकट्ठा होने का समय आ गया है, इसलिए मतभेद को खत्म कर दो, कोई द्वेष मत रखो आपस में, कोई भेदभाव या कोई किस तरीके का एक दूसरे के प्रति इस तरीके का इलविल या एनिमस्टी या एंगर या जो रिवेंज मत रखो। आज समय आ गया है कि सब लोग एक होके, सभी दलों के आदमी, सभी संगठनों के लोग, सभी नेता, सभी अधिकारी, सभी प्रमुख, समय हमारे संगठन के प्रमुख एक दल पे आके देश के अंदर अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, बाबा साहब को भारतीय संविधान को महान बनाने के लिए, और देश के लोगों को आज भी देश के अंदर जो इतना जन सैलाब, जो भूखा है, जो आज भी गरीब है, जो दो टाइम की रोटी के लिए जो आज भी स्ट्रगल कर रहा है, आज भी जो माताओं बहनों पर समाज पर अत्याचार बलात्कार हो रहा है, आज भी देश का जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स इतना खराब है और कहीं ना कहीं वो स्थिति और खराब हो सकती है, उसके लिए हम लोगों से आह्वान करते हैं, समय समय पर जगह जगह जाके आह्वान करते हैं कि भैया आ जाइए, अब बहुत हो गया है, अब नहीं आए तो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारा भी उसके अंदर एक प्रयास है, हम भी चाहते हैं कि अपनी बात उसके अंदर रखें और हम भी चाहते हैं समाज के अंदर वो अपना, क्योंकि हमारा जो योगदान तो हम ही कर सकते हैं ना, हम उम्मीद करें कि कोई वो करे या तीसरा करे तो हम कैसे उम्मीद करें कि देश में बदलाव होगा। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा और हमें करने के लिए हमें निर्भय होना पड़ेगा, हमें उस चीज़ को जो ना अपने दिल दिमाग से डर को निकालना पड़ेगा, अपने घर परिवार नौकरियों को छोड़ना पड़ेगा। आज समय छोड़ने का, जो आदमी घर परिवार नौकरियों में जो बंद के बैठा है, समझो वो हजारों बच्चों की नौकरियों को खत्म करने के लिए अपने आप को सुरक्षित कर रहा है। जो आज हम त्याग करना पड़ेगा, अगर त्याग करके हम आगे बढ़ेंगे तो हम देश के अंदर नौकरी भी दिलाने वाले बनेंगे, अपने बच्चों को हक दिलाने वाले बनेंगे और समाज को कहीं ना कहीं सुरक्षित भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने पद के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने नाम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ नाम की लड़ाई नहीं है भैया, ना यहाँ पद की लड़ाई है, यहाँ आज देश के अंदर वास्तव में काम की लड़ाई है और समाज को और देश को देने की लड़ाई है। उस भावना से जो आगे आएगा, वो चाहे कोई भी होगा, चाहे कहीं पर भी काम कर रहा होगा, वो रातों रात देश के अंदर हीरो बन जाएगा, क्योंकि देश के अंदर तो आज लीडरशिप वैक्यूम है। यहाँ बहुजन समाज का पूरा वर्ग आज कहीं ना कहीं नेतृत्व के अभाव में कहीं ना कहीं विचलित है। जो भी आदमी कहीं बुलाता है, वहाँ हजारों के नहीं लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँच जाते हैं कि सबको कहीं ना कहीं उम्मीद है, कुछ ना कुछ एक विश्वास पैदा हो रहा है कि यार कुछ हो सकता है और हो भी सकता है और यही समय है कुछ करने का भी, और इस समय नहीं करे तो कभी कर भी नहीं सकते। तो दोनों बातें हैं, या तो इस समय पे आज बहुजन समाज का आंदोलन पीक पे चला जाएगा, याद रखना, या तो बहुजन समाज का आंदोलन खत्म हो जाएगा। दोनों बातें हैं, अब समय है कि आर पार की लड़ाई के लिए देश के अंदर हम लोग कितनी आगे खुलकर, निर्भय होकर, निडर होकर, अपने घर परिवार, अपनी नौकरियों को, अपने बच्चों को त्याग कर अगर बाहर आ सकते हैं तो शायद हम इस चीज को बचा पाएंगे, अगर नहीं आ सकते तो शायद हमारे चीजें खत्म हो जाए।